हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है, उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। अब हम लोग उसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ मैन बायज 420 rupees शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी। कैलकुलेट, दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द सेकेंड इज द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए, क्वेश्चन में बता दिया है कि कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 400, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू शेयर की दी हुई है 20 rupees, जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, 20% के डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें 12% का डिविडेंड दे रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड है 12% है। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹20। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू देखनी है, कितनी है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसमें क्या दिया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब आप ये कैलकुलेट करिए कि 20% डिस्काउंट है तो इसमें कितना रेट होगा आपका, मार्केट वैल्यू कितनी होगी वन शेयर की। 20 - 20 × 20/100 ₹16, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो गई ₹16, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया शेयर पे, अमाउंट ऑफ शेयर इज ₹20 × नंबर ऑफ शेयर्स, 400 शेयर्स लिए हुए हैं, तो ये आपका कितना हुआ कैलकुलेट होके, 8000, ठीक है। 8000 rupees के शेयर्स खरीदे। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना, क्वेश्चन में दिया ना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो नंबर वन अमाउंट इन्वेस्टेड क्या आएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹16। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 × 4 = 64। तो हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड का ये हमें आंसर मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है, कितना है यहाँ पे आज कर रहा है। तो टोटल डिविडेंड कितना है, हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे टोटल डिविडेंड। ₹6400 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में रिटर्न रिसीव और 12% ऑन हिज मनी, तो 12/100 इसको मल्टीप्लाई करने पे आप 12 × 4 = 48, 4 × 12 = 72 + 6 = 76, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड उसको यहाँ पे 768 का मिला। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा हमारा? टोटल डिविडेंड अपॉन
अमाउंट इन्वेस्टेड जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा टोटल डिविडेंड हमें मिल रहा है 768। हमारा अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना था हमने पहले ही निकाला था, ये 8000 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आया 9.6% रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में आता है पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है। उस तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। इसमें फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी एंड द सेकंड वन इज व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी एंड देयर इज वन थर्ड मोर क्वेश्चन इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है एग्जाम में, इसमें प्रिंटेड है 2008 में आया है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 10,000। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी है 100। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है 5% का है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना हो जाएगा हमारा इक्वल टू 100 इंटू 10,000। ठीक है, तो कितना हो गया 1st पार्ट में क्या पूछ रहा है ये हमसे, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो हम पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वो तो सिंपल है, हमने कितने अमाउंट का शेयर खरीदा है इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ₹100,000 इंटू 5% को ऐसे 5/100 लिखेंगे, कैंसिल किया तो ये हमारा कितना आया 50,000। ये हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड हो गया। ठीक है, इसमें ये पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी हमें यहाँ पे ₹50,000 का डिविडेंड देगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ द मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, तो एनुअल इनकम ऑफ, यहाँ पे सिंपली निकालेंगे एनुअल इनकम ऑन 72 शेयर, ऑन 72
72 shares. Here we go. 72 number of shares into nominal value of one share into rate of dividend के formula आपको पता है chapter के starting में ही बताया था. number of shares हो गए, nominal value of one share कितनी है 100 into rate of dividend कितना दिया हुआ है 5% का दिया हुआ है, तो 5/100 कैंसिल, 72 into 5 तो ये हमारा आएगा 360. ठीक है, बहुत इजी था ये, हमारा इसका आंसर हो गया. उसने 72 शेयर्स लिए तो उसकी एनुअल इनकम होगी 360 रुपीज़ की. थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ़ यू रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर. अगर उसको खाली 4% का ही इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसने कितने पैसे खर्च किए एक शेयर के लिए. ठीक है, बहुत आसान है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड कैसे कितना होगा, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियोस हम लोग के पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. टोटल डिविडेंड कितना था अभी हमने निकाला है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹50,000. तो ये 50,000 इज इक्वल टू 4/100 इंटू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमें अब देखना है कितना है हमारा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 50,000 इंटू 100 बाय 4 से डिवाइड किया 25 5 5 25 5. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 12,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है उसने. तो हमें यहाँ पे आप निकालना क्या है, ये इतना रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू निकालनी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा, 12,50,000 बाय क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000. क्वेश्चन पढ़ा ना उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 10,000 शेयर्स थे, तो ये आपको कैंसिल हो गया तो आप अच्छा 125 तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹125 और ये आपका आंसर है. देखा कितना इजी था. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ लेडी होल्ड 1800 रुपीज़ 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली. कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड If she bought these shares at 40% premium, what is the return she gets as a percent on her investment? Give your answer to the nearest integer. ठीक है, तो इसमें क्या हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं 1800, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 15%, हमें मार्केट वैल्यू भी निकाल लेंगे इसे 40% से. आप बताइए 40% प्रीमियम पे है तो कितना मार्केट वैल्यू है. मैं सॉल्व नहीं करूँगी इसको, आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हम लोग शेयर्स की निकालेंगे, फिर उसका डिविडेंड निकालेंगे
उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल के परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स 1800, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीस 100, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 15% दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि कैसे निकला इसका वैल्यू। 40% प्रीमियम पे है शेयर, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू रुपीस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, इस पे हम अपना एनुअल डिविडेंड निकाल लेंगे। एनुअल डिविडेंड इक्वल टू रुपीस 1,80,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15 बाय 100, यहाँ पे आपका आया 18 15। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 27,000। ठीक है, ये हमारा आया आपका एनुअल डिविडेंड। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना आएगा रुपीस 140 इनटू 1800। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 2,52,000। ये हमने इतना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो परसेंटेज रिटर्न कितना है ये पूछ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में। परसेंटेज रिटर्न होता है एनुअल फॉर्मूला, याद है आपको कि भूल गए, एनुअल डिविडेंड अपॉन 100% अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना है 27,000 इंटू 100 अपॉन 2,52,000। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.7%, और अगर और नियर करना चाहते हैं तो 11%, राउंड ऑफ अगर आप कर रहे हैं तो 11%। ये आपका आंसर हो गया, व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज अ परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, तो 10.7, ये अगर उसको राउंड अप कर रहे हैं तो 11%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।